हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिका के बारे में बताऊंगी। इसके कितने भाग होते हैं इसके बारे में बताऊंगी, एंड ये कितने प्रकार का होता है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, जैसा कि नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र क्या है, उसके तीन भाग सीएनएस, पीएनएस, एएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में मैं तंत्रिका तंत्र के पार्ट 1, 2, 3, 4 में बता चुकी हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ, जैसे कि तंत्रिका तंत्र जो होता है, हमारा न्यूरॉन से ही तंत्रिका तंत्र बना होता है। एंड दोस्तों, न्यूरॉन का क्या काम क्या होता है? यह सोचने, समझने, संतुलन और संदेशों को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। जैसा कि दोस्तों, हमारा जो संदेश होता है, जैसे कि हमारा आंख जो है, कोई वस्तु देखा, हम देखे कि वो लाल रंग का है, उस लाल रंग को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम कौन करता है? न्यूरॉन करता है, ठीक है। और उस लाल रंग का कोई सामान रखा हुआ है, उसको उठाना है, तो वहां से हमारे मस्तिष्क से उस संदेश को हमारे अंगों तक पहुंचाएगा न्यूरॉन ही, यानी कि संदेशों को हमारे अंगों से मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम कौन करता है? न्यूरॉन। और हमारे मस्तिष्क से हमारे कार्यकारी अंगों तक संदेशों को पहुंचाने का काम भी न्यूरॉन ही करता है, ठीक है। यदि कोई वस्तु आपने देखा कि वह वस्तु रखी हुई है, तो वह वस्तु रखी हुई है हमारा आंख ने देखा, तो हमारे आंख के माध्यम से जो न्यूरॉन्स है वो हमारे ब्रेन तक उसको पहुंचाएगा, और हमारा ब्रेन सोचेगा कि हाँ, वो वस्तु रखी हुई है, उसको हमको उठाना चाहिए, देखना चाहिए। तो फिर क्या करेगा न्यूरॉन्स? हमारे मस्तिष्क से उस संदेश को हमारे अंगों तक पहुंचाएगा, जिसके माध्यम से हमारा हाथ उस वस्तु तक जाएगा, हम उसको उठाकर देखेंगे। इस प्रकार संदेश को ब्रेन तक पहुंचाना, अब ब्रेन से संदेश को हमारे अंगों तक पहुंचाना, यही कार्य होता है हमारे न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिका का। जैसा कि दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सभी वीडियोज को आप वॉच कर सकते हैं। एंड दोस्तों, 100 से ज्यादा वीडियो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन पर बनाए गए हैं, जिसका प्रैक्टिस आप करते रहिए। एंड दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कराऊंगी सिलेबस के अकॉर्डिंग, चैप्टर वाइज। तो चलिए जानते हैं इसके आगे। न्यूरॉन्स तो हम समझ गए कि हमारे संदेशों को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है, और ब्रेन से उन संदेशों का जो उत्तर होता है वो हमारे अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स, ये तीन प्रकार का होता है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यूरॉन्स जो होता है कितने भाग होते हैं। जैसे कि दोस्तों, जो न्यूरॉन्स होता है वह तंत्रिका तंत्र का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। यानी कहने का तात्पर्य है, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, जो नर्वस सिस्टम है हमारा, वह किससे बना होता है? न्यूरॉन से बना होता है। इसीलिए न्यूरॉन्स को तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। न्यूरॉन्स के तीन भाग होते हैं, सेल बॉडी जिसे साइटॉन भी कहते हैं, एंड डेंड्रॉन एंड एक्सॉन। तीन भाग होते हैं। जो हमारा सेल बॉडी होता है, जिसे साइटॉन यानी कोषापिंड भी कहते हैं, यह तंत्रिका ऊतक का मुख्य भाग होता है। इसके बीच में अंडाकार गोलाकार भाग होता है, जो केंद्रक कहा जाता है, जैसा कि दोस्तों चित्र में दिख रहा है, ठीक है। इस सेल बॉडी के बीच में अंडाकार गोलाकार भाग है, जिसको क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं, ठीक है। और इसे न्यूरोसाइटान या पेरी केरियान या सोमा भी कहते हैं। इसी के कोशिका द्रव्य में, जो केंद्रक होता है, इसके कोशिका द्रव्य में अनेक प्रोटीन युक्त कण होते हैं, जिसे निशिल्स कण भी कहते हैं, ठीक है। और यह उद्दीपन उत्पन्न करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। तो हम लोग इसके पहले पार्ट यानी कि इसकी सेल बॉडी को समझ गए। सेल बॉडी होता है, बीच में केंद्रक होता है, उसमें कोशिका द्रव्य भरा होता है, उसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, जो रंगीन कण होते हैं, जिसे निशिल्स कण कहते हैं, और यह उद्दीपन उत्पन्न करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा पार्ट होता है, जो सेल बॉडी से बहुत सारे संख्या में छोटे छोटे तंतु निकले हैं, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, उसे डेंड्रॉन कहते हैं, ठीक है।
दूसरा पार्ट क्या होता है, डेंड्रॉन, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी के किनारे किनारे बहुत सारे संख्या में तंतु बिखरे हुए हैं, निकले हुए हैं, ठीक है, वही क्या है, डेंड्रॉन्स है, ठीक है। तो यह न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स प्राप्त करता होते हैं, डेंड्रॉन को न्यूरॉन्स प्राप्त करता बोला जाता है। क्यों कहा जाता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यह संख्या में अधिक छोटे तंतु आकार की होते हैं डेंड्रॉन्स। यह साइटान से निकले हुए पतले तंतु होते हैं, साइटान यानी सेल बॉडी से निकले हुए पतले तंतु होते हैं, ठीक है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। यह तंत्रिका आवेगों के रिसेप्टर्स यानी जो संदेश हमारे, यानी कि जो रिसेप्टर्स यानी संवेदी उद्दीपनों से प्राप्त जो संदेश होते हैं, उन संदेशों को यानी कि दूसरे न्यूरॉन से संदेशों को ग्रहण करके यह डेंड्रॉन्स जो है उन संदेशों को सेल बॉडी की ओर भेजता है। ध्यान से सुनिएगा, डेंड्रॉन्स क्या होता है कि दूसरे न्यूरॉन से संदेशों को यानी संवेदी जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उन न्यूरॉन से संदेशों को ग्रहण करके वह क्या करता है, सेल बॉडी की ओर संदेशों को भेजता है। जैसा कि बहुत सारे तंतु हमारे सेल बॉडी के किनारे किनारे निकले हुए हैं, ये डेंड्रॉन्स है, ये डेंड्रॉन्स जो है दूसरे न्यूरॉन से संदेश प्राप्त करता है, इस संदेश को प्राप्त करके हमारे सेल बॉडी की ओर भेजता है, ठीक है। और हम देखेंगे कि सेल बॉडी की ओर तो हमारा डेंड्रॉन संदेश को भेज दिया, अब इस सेल बॉडी से इस संदेश को आगे कौन बढ़ाएगा, हमारा एक्सॉन बढ़ाएगा, थर्ड पार्ट, ठीक है। तो तीसरा भाग होता है एक्सॉन, ठीक है, न्यूरॉन्स का तीसरा भाग कौन होता है, एक्सॉन, जिसको प्रेषणकर्ता कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, डेंड्रॉन्स को न्यूरॉन्स प्राप्तकर्ता कहते हैं, यानी दूसरे न्यूरॉन्स से संदेश को प्राप्त करके सेल बॉडी की ओर पहुंचाता है, और एक्सॉन जो होता है ये प्रेषणकर्ता यानी कि ये भेजता है, सेल बॉडी से दूसरे न्यूरॉन्स की तरफ भेजता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो वो प्राप्त करता है या प्रेशर करता है, ठीक है, एक्सॉन जो है वो प्रेशर करता है, भेजने वाला, और डेंड्रॉन जो है वो प्राप्त करता है, प्राप्त करके हमारे सेल बॉडी की ओर पहुंचाता है। तो एक्सॉन के बारे में हम जानेंगे, तो एक्सॉन को हम प्रेशर करता भी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। प्रत्येक न्यूरॉन में एक एक्सॉन होता है, ठीक है, प्रत्येक न्यूरॉन में कितने एक्सॉन होते हैं, एक, और इसकी लंबाई करीब 1 मीटर तक होता है। साइटान के एक छोटे से एक्सॉन उभार से निकलता है, जो साइटान यानी कि सेल बॉडी होता है वही से पूछ जैसी आकृति में लंबा सा निकलता है हमारा एक्सॉन, आगे जाकर छोटे छोटे शाखाओं में बढ़ जाता है, जैसे कि लास्ट में देख रहे हैं वृक्ष जैसा छोटे छोटे शाखा बन गए हैं, ठीक है, जिसे हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, या टर्मिनल फाइबर भी बोला जाता है, या इसको साइनेप्टिक नोड्स भी बोला जाता है, या टिलोडेंड्रिया भी इसको बोला जाता है। यह क्या करता है, न्यूरॉन्स को डेंड्राइन्स या पेशियों या ग्रंथियों से जुड़े रहते हैं, होते हैं। सिनेप्स क्या होता है दोस्तों, एक्सॉन में जब एक न्यूरॉन्स के टेलीडेंडिया, जो मतलब कि लास्ट में जो एक्सॉन कई शाखाओं में बढ़ जाता है वृक्षों जैसा, तो जब एक न्यूरॉन्स के ए शाखा और दूसरे न्यूरॉन्स के भी, ठीक है, एक न्यूरॉन्स के टेलीडेंडिया दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स के साथ मिलकर बनाते हैं, तो उसको हम सिनेप्स कहते हैं। तंत्रिका से संवेग एक ही दिशा में प्रभावित होता है, तंत्रिका से जो संवेग होता है, जो संदेश होता है, एक ही दिशा में, जैसे कि डेंड्राइट्स लेकर के सेल बॉडी को दिया, सेल बॉडी से अब यह कहाँ जाएगा, एक्सॉन जो है सेल, डेंड्राइट्स जो है संदेशों को प्राप्त करके सेल बॉडी को पहुंचाया, और सेल बॉडी से यह संदेश एक्सॉन के माध्यम से आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो एक्सॉन क्या है, प्रेशर करता है, भेजने वाला, ठीक है। तो इसका कार्य क्या है, यह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक संदेशों यानी सिग्नल्स का प्रसारण करके पेशीय तंतु के गुच्छे के रूप में अंगों को अथवा वापस तंत्रिका तंत्र को भेजता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि हमारा एक्सॉन क्या करता है, हमारे सेल बॉडी से संदेशों को ग्रहण करके यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेशों को प्रसारण करके हमारे पेशीय तंतु के गुच्छे के रूप में अंगों तथा वापस तंत्रिका तंत्र को भेजता है, ठीक है। यानी आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे कि डेंड्राइट्स जो है वह दूसरे न्यूरॉन से संदेश को प्राप्त करके सेल बॉडी की ओर भेजता है, और सेल बॉडी से जो संदेश होता है वह एक्सॉन जो है हमारे अंगों तक आता है या दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है। इसी तरह दूसरे न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचते पहुंचते हमारे ब्रेन तक जाता है संदेश, या हमारे
अंगों तक आता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम समझे कि जो डेंड्राइट्स होता है वह दूसरे न्यूरॉन से संदेश को प्राप्त करके हमारे सेल बॉडी की ओर पहुंचाता है, और जो एक्सॉन होता है वो सेल बॉडी से संदेश को हमारे विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, ठीक है, या एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों हम एक्सॉन के बारे में और कुछ जानेंगे। जैसे कि हम जानेंगे कि एक्सॉन के अंदर जो द्रव होता है, जो झिल्ली होता है, वो कितने, जैसे कि एक्सोप्लाज्म क्या है। एक्सोप्लाज्म होता है दोस्तों, जैसे कि एक्सॉन झिल्ली के अंदर भरा तरल पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, एक्सोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। एक्सॉन के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। उसी के नाम से मिलता जुलता रहेगा, इसलिए आप आसानी से पहचान लेंगे। और इस एक्सोप्लाज्म में प्रोटीन व अन्य कार्बनिक पदार्थ, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा फास्फेट आयरन होता है। यह पदार्थ एंजाइम की क्रिया के लिए आवश्यक होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों एक्सॉन के खोल की। एक्सॉन के ऊपर दो खोल चढ़े होते हैं, दो प्रकार के। जैसा कि दोस्तों पोषा कला यानी एक्सॉन मेम्ब्रेन जो होता है, जो झिल्ली होती है, तो एक्सॉन पर दो प्रकार के खोल चढ़े होते हैं। वो होता है माइलिन खोल और न्यूरिलेमा खोल, ठीक है। तो माइलिन खोल जो होता है इसको मेड्यूलरी खोल भी कहते हैं, या एक्सॉन झिल्ली के बाहर स्थित होता है, बीच बीच में खांचे के रूप में दबा होता है, जिसे रेनवियर नोड कहते हैं। दो नोड के बीच के स्थान को इंटर नोड कहते हैं, ठीक है। दो नोड के बीच के स्थान को इंटर नोड कहते हैं। दूसरा खोल होता है एक्सॉन पर चढ़ा हुआ श्वास न्यूरिलेमा। न्यूरिलेमा जो होता है श्वास कोशिका का बना होता है, इसको एक्सालेमा भी कहते हैं। माइलिन खोल के बाहर स्थित होता है, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों खोल अन्य किसी तंत्रिकाओं से पृथक रहते हैं, जिससे एक एक्सॉन में प्रवाहित होने वाला उद्दीपन दूसरे के उद्दीपन को प्रभावित न कर सके। एक्सॉन बिजली के तारों के समान विद्युत धारा प्रवाहित करता है, ठीक है। जिस प्रकार हमारा बिजली के तार के विद्युत धारा हमारे तार में प्रवाहित होती है जिस स्पीड से, उसी स्पीड से हमारा जो संदेश होता है वो हमारे एक्सॉन से प्रवाहित होती है। एक्सॉन में उद्दीपनों की संचरण की गति अधिकतम 130 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। एक्सॉन में जो उद्दीपन होते हैं, हमारे संदेश होते हैं, उसके संचरण की गति कितनी होती है, लगभग 130 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। विद्युत, इस प्रकार हमने समझा दोस्तों कि हमारे सेल बॉडी में हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके तीन पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्रॉन्स, एक्सॉन। एक्सॉन में दो खोल चढ़े होते हैं, माइलिन खोल एंड न्यूरिलेमा खोल। एक्सॉन के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं, इतना हमने जाना। एंड दोस्तों विद्युत उद्दीपनों को लाने व ले जाने का कारण जो होता है वो एसिटाइल कोलाइन नामक एंजाइम करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जो विद्युत उद्दीपनों को यानी संदेशों को लाने और ले जाने का कार्य कौन करता है, कौन सा एंजाइम करता है, एसिटाइल कोलाइन नामक एंजाइम करता है। इस प्रकार हमने समझा दोस्तों कि हमारा न्यूरॉन्स के तीन पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्रॉन्स, एक्सॉन। सेल बॉडी के अंदर कोशिका द्रव्य होता है, केंद्रक होता है जिसमें कोशिका द्रव्य भरा रहता है। एंड डेंड्रॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स से संदेश ग्रहण करके सेल बॉडी की ओर भेजता है, और एक्सॉन सेल बॉडी से संदेश को दूसरे न्यूरॉन्स की तरफ भेजता है, यानी हमारे अंगों की तरफ भेजता है, यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेशों को भेजता है। कौन? एक्सॉन। एक्सॉन भेजने वाला है और डेंड्रॉन्स प्राप्त करने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूरॉन्स के प्रकार यानी कि सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स के बारे में बताऊंगी। एंड जो भी टॉपिक अभी बचे हुए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, उन सभी टॉपिक्स को मैं क्लियर करूंगी। बने रहिए आप मेरे चैनल पे। दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।